वहीं मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा है। रोशनी एक्ट के तहत कश्मीर में जमीन हड़पने के मामले में उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की ओर से पैदा किया गया अभिशाप है। कुछ लोगों ने आतंकवाद से मिलकर रोशनी के नाम पर कश्मीर में अंधेरा फैलाया है। वहीं कृषि मंडियों में लॉकडाउन को लेकर फैली अफवाह पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28, 29 और 30 दिसंबर को आहूत किया गया है। ये कांग्रेस के द्वारा पैदा किया गया एक विषाद है। कुछ लोगों ने आतंकवाद से मिलकर रोशनी के नाम पर कश्मीर जैसे प्रदेश में अंधेरा फैलाया। स्वर्ग कहा जाता था, उसे नरक बनाने की एक नापाक कोशिश की। और इसलिए जो निर्वासित उस समय के मध्य प्रदेश में हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि रोशनी एक्ट के तहत अगर उनकी जमीन को भी किसी ने हड़पा है तो वो गृह मंत्रालय को उसकी विस्तृत जानकारी दें। हम केंद्र से आग्रह करेंगे कि उनको न्याय मिले। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा, इस सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ लोग भ्रम फैला देते हैं लॉकडाउन का। मैंने पूर्व में भी कहा था कि लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हमारे किसानों के बीच में किन्हीं ने ये भ्रम फैला दिया है जिससे मंडियों में आवक बहुत ज्यादा हो गई है। सब धैर्य से रहें, एक एक दाना खरीदा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कोई लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं है। कोई भी भ्रम की स्थिति न रहे, न कोई भय की स्थिति रहे, अभी लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैंने उसकी विस्तृत जानकारी मंगाई है, शीघ्र आती होगी। माननीय कमलनाथ जी से निवेदन है कि राजनीति के स्तर को इतने नीचे नहीं ले जाना चाहिए जिसको लोग ब्लो द बेल्ट कहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायक हैं गोविंद सिंह, और हद तो देखो, एक जिले ने निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। लगातार उनकी उपेक्षा जो की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का कह के बुला लिया यहाँ पर और फिर उपेक्षित सा लौटा दिया उन्हें। एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, इतने सीनियर हैं। हम 90 में एक साथ जीत के आए थे, तब से हमारा उनका साथ है। कांग्रेस के लोग ये जो व्यवहार लगातार कर रहे हैं उनके साथ, विभागों के बंटवारे में आप देखो क्या स्थिति कर दी थी विभागों में। उस सर्वाधिक सीनियर व्यक्ति को सर्वाधिक वैसे विभाग दे दिए, नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया, अब जिला यूनिट निलंबन का प्रस्ताव पर हद है माने किसी चीज की। नहीं, आमंत्रण की इसमें आवश्यकता नहीं है, वो मेरे मित्र हैं, इतना ही पर्याप्त है। आपत्तिजनक जितने भी बैन हैं जो समाज के अंदर विकृति और विकार पैदा करते हो, ऐसे ऐप को बंद होना चाहिए।